ये लीजिए आपका 5 लाख का चेक। थैंक यू। आप जैसे लोगों की वजह से ही तो ये एनजीओ चल रहा है सर। ये तो एक छोटी सी पहल है मेरी तरफ से। सतीश जी, अब आप इस पैसे को ऐसी जगह लगाइएगा जिससे जरूरतमंद अनाथ बच्चों को भरपूर फायदा मिल सके। बिल्कुल सर, मैं पिछले 2 साल से इस एनजीओ का मैनेजर हूँ और आप बिल्कुल टेंशन मत लो। आपके इस 5 लाख से हमारे अनाथालय के कितने बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाएगी सर। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। सचिन जी सर, 5 लाख में कौन सी बढ़िया गाड़ी आएगी? आप गाड़ी ले रहे हैं सर? सर के 5 लाख रुपए कहीं तो यूज करने है ना, तो सोच रहा हूँ अपनी बेटी को बर्थडे पे गाड़ी गिफ्ट कर दूँ। सर वो तो एनजीओ के बच्चे। अरे क्या करेंगे वो पढ़ लिख के, हैं? उनकी किस्मत थोड़ी ना बदल जाएगी, साले रहेंगे तो बना दिया। और सर ओनर को पता चल गया तो? ओनर को कैसे पता चलेगा उसका पैसा कहाँ जा रहा है? तू ये बता गाड़ी कौन सी? सर ये गलत है। तू इंटर्न है यहाँ पे, एक हफ्ता हुआ है तेरे को, आखिर तू मुझे बताएगा क्या गलत है? दुनिया भर से पैसा आता है और सारा पैसा बांटने लग गया ना तो खुद के लिए क्या कमाऊंगा? जाननी चाहिए थे। चल निकल यहां से। अब सर वो प्रिया का बर्थडे है फ्राइडे को। कौन प्रिया? अब वो छोटी वाली बच्ची जो पिछले हफ्ते आई थी। क्या करना है उसका? नहीं मतलब मैं सोच रहा था सेलिब्रेट कर लेते तो बच्चे खुश हो जाते। क्या फालतू की बात कर रहे हो, खाना तो हम लोग को कम देते हैं जिससे उनकी आदत ना बिगड़े। ये सब करके उनकी आदत खराब कर देगा तो। सर बना लेते हैं ना, बच्चे खुश हो जाएंगे, मन लग जाएगा उनका। यार ये फालतू की बात ना किसी और से जाके करना, यहाँ पे ऐसा कभी नहीं होगा। बस ऐसा मैं लोगों में बांट दूंगा तो अपनी अय्याशी कैसे करूंगा? सर लोग डोनेट करते हैं वो तो यही सोच के करते हैं ना कि हम बच्चों की खुशियों का ख्याल रखेंगे। ये सब हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी होती है। मुझे मेरा काम बहुत अच्छे से आता, पर एनजीओ मैंने दुनिया की भलाई के लिए ज्वाइन नहीं किया था, मुझे खुद की लाइफ एंजॉय करनी है, समझा? और आगे से मुझे मेरा काम मत सिखाना, इंटर्न है तो इंटर्न की तरह रहना सीख। निकल। तो कैसा लगा अंश आपको? हमें अंश बहुत पसंद आया, हम उसे अडॉप्ट करना चाहते हैं। I'm sure. अब अंश हमारे एनजीओ का सबसे प्यारा बच्चा है और अब आप उसे अडॉप्ट करना चाहते हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आप चाहे तो हमारे सोशल रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं, हम बहुत अच्छे पेरेंट्स बने हैं। I'm sure. लेकिन अंश हमारे जी भर का टुकड़ा है और अब आप उसे लेके जा रहे हैं तो हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ पैसों की बात कर लेते हैं, मेरा मतलब अंश को देने के लिए आपको हमें 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अगर हम तो अडॉप्ट करने आए ना उसे, तो फिर पैसे किस बात के? अब जो है वो तो करना ही पड़ेगा और अगर आपको अंश को अडॉप्ट करना है तो 2 लाख रुपए तो देने ही पड़ेंगे। देखिए अगर ऐसा ही है ना तो हम कहीं और बात कर लेते हैं। लेकिन अंश ठीक है, आप पेपर वर्क स्टार्ट कर, हम कल आते हैं पैसे। थैंक यू। सर आप बच्चों को अडॉप्ट कराने के पैसे कैसे ले सकते हैं? हाँ तो उन्हें पिलाऊं मैं, खिलाऊं मैं और ये लोग फ्री में ले जाएं, कुछ प्रॉफिट मेरा भी तो बनना चाहिए ना। सर असल में आप बच्चों को अडॉप्ट नहीं करा रहे, बेच रहे हैं। हो गया तेरा रोज रोज का ज्ञान नहीं सुन सकता मैं यार, मुझे इंटर्नशिप करने भेजा गया था, बस हो गया, कल से आने की जरूरत नहीं। कुछ गलत थोड़ी कर रहा हूं। मुझे तेरा ज्ञान नहीं सुनना, मेरा सर दर्द होता है, चुपचाप निकल जाए यहाँ से ना, मुझे और भी तरीके आते। बट आपको भी पता है आप गलत कर रहे हैं। आउट। क्या चल रहा है इस एनजीओ में? सर कैसे हैं आप? सर मतलब मैं इतना बड़ा फाइनेंशियल स्कैंडल मैंने एनजीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक किए और मुझे पता चला है कि तू अपने फायदे के लिए डोनेशन का सारा पैसा अपनी जेब में डाल रहा है। बिल्कुल नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया सर। सचिन ने मुझे तेरी नियत के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया है। सचिन सर वो सचिन खुद एक नंबर का फ्रॉड है, उसने आपको जो भी बताया ना सब झूठ, बिल्कुल झूठ। एक मिनट सचिन,
तुम? हाँ सर, ये मेरे मामा जी हैं। इन्हें पहले से ही पता चल गया था कि आप यहाँ पैसों की हेर फेर कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने मुझे एज इंटर्न यहाँ ज्वाइन कराया था ताकि मैं अंदर की सच्चाई बाहर ला सकूं। और इस एनजीओ के यूएस बेस्ड को-फाउंडर मिस्टर एमके मिश्रा मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। उन्होंने ही मुझे तुम पर नजर रखने के लिए बोला था। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज इन्हें ले जाइए। हाँ मिश्रा, आखिर उस आदमी की असलियत सामने आई गई। अब बस एक नया मैनेजर ढूंढने की तैयारी है। तो इसमें इतना सोचना क्या है? सचिन इस काम के लिए बिल्कुल ठीक है। लेकिन सचिन तो काफी छोटा है। सचिन छोटा जरूर है, पर उसकी नीयत साफ है। मेरी बात कराओ उससे। जी बात कीजिए। हाँ अंकल। हाँ सचिन बेटा, क्या तुम इस एनजीओ के मैनेजर बनना चाहोगे? अंकल मुझे तो इस काम का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। हमें एक काम कर सकता हूँ कि जब तक कोई नया मैनेजर नहीं मिल जाता, मैं इन बच्चों का ख्याल जरूर रख सकता हूँ। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब हम मिलकर इन बच्चों का भविष्य और मजबूत करेंगे। हाँ जी अंकल। ऑल द बेस्ट सचिन, मुझे यकीन है कि तुम मिश्रा जी की उम्मीदों पे खरे उतरोगे। टेक केयर। थैंक यू मैम। प्रणाम।